फ्रेंड्स, ट्रिक्स एंड आइडियाज़ में मैं हूँ सबा नईम आपके साथ। आज मैं आपको सिंपल गले की कटिंग बताने लगी हूँ, जो कि मोस्टली लोगों को ये सिंपल सा गला भी मुश्किल लगता है, तो अब उनको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, इसके लिए ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, ये देखें ये डबल है अभी हमारे पास। इसकी मैंने 7 इंच लंबाई ली है। ठीक है, क्रम की कितने इंच लंबाई ली है? 7 इंच, 7 इंच ली है। और 6 इंच पर मैं इसका निशान लगाऊंगी, यानी कि 6 इंच लंबा मैंने इसका गला रखना है। ठीक है, और यहाँ से मैं ऊपर से लूँगी 3 इंच। ठीक है, 3 इंच ले लिया, इसे मैं ऐसे सीधा मार्क कर लूँगी, सीधा सीधा निशान लगा लूँगी ऐसे। ये मेन चीज़ है। ठीक है, यानी कि 7 इंच मैंने बुकरम का रखा था, ये 7 इंच रखा था और 6 जो है वो मुझे तैयार चाहिए। ठीक है, और 3 इंच मैंने रखा था ऊपर से। ठीक है, ये इतना इतना चौड़ा मैंने रखना है। इसके बाद कोई भी अगर मैं डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ, ये देखें यहाँ से कोई भी, मतलब मैंने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, तो मैं सिंपली उसको ऐसे करके ड्रा करूँगी और इसी हिसाब से, इसी मार्जिन के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें ऐसे रख के, कोई सा भी आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके बना सकते हैं। ये देखें, ऐसे इधर से भी मैं इसकी कटिंग कर लूंगी ऐसे। ये देखें, इस तरीके से हम गले जितने मर्जी अपनी मर्जी के साथ काटते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको गलों के डिज़ाइन शेयर कर दूंगी इसके साथ।